मुंबई से नेपाल जा रहे नेपालियों से भरे ट्रक को लोगों ने पकड़ा। ट्रक का ड्राइवर मौके से हुआ फरार। रास्ता भटक कर पहुँचे थे फर्रुखाबाद। रोडवेज कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों से बात कर भेजा क्वारंटाइन सेंटर। बेसहारा प्रवासी मजदूरों को स्थानीय लोगों ने खाना खिलाया। नेपाल जा रहे हैं? नेपाल जाएंगे। अच्छा, मुंबई से आपको क्यों वहाँ से पलायन करना पड़ा? पलायन सर क्या रहा, उसकी दिक्कत क्या थी? किसका होटल बंद हो गया, सब कहीं बंद है ऐसे तो उसमें किसका पगार मिला नहीं। मार्च अप्रैल मई 3 महीना हो गया है, उसका पगार दिया नहीं है। किसका फरवरी का भी नहीं दिया है, तो उसमें क्या भाड़ा भी देना पड़ता है। हम रूम पे रह रहे सब, इसको खाना दे रहा था होटल से, ऐसे में अभी क्या दिक्कत ऐसी आ रही थी कोई, ये लोग कर्जा मांगने लिए परेशान हो गए, ये लोग रूम पे बैठे बैठे खाने के लिए दिक्कत था। आप लोग अब नेपाल जा रहे हैं? हाँ, नेपाल जाएंगे। उधर वो सरकार से, स्थानीय सरकार से बात किया है, तो हम लोग उधर बॉर्डर में आ जाओ, उसके बाद हम लोग उधर। आप पूरा ट्रक कितने पे करके लाए हैं? हाँ सर, पूरा ट्रक जो है किस हिसाब से लेके आए? अभी इसका 3,000 ऐसे 300 का कुछ बात किया है, एक 50 हेड था पर हेड। हाँ, ऐसा बाद में डिस्काउंट करके देगा, तुम लोग लेके जाएगा उधर छोड़ेगा बोला है। अच्छा, दिक्कत कोई नहीं होगी, रास्ते में पास है बोल के हम लोग को किया, तो अभी आगे। कितने लोग इस ट्रक में आए हो? 54 लोग। ठीक है अभी। सर हम आए मुंबई महाराष्ट्र थाना और अपना भिमंडी बाईपास से आए सर। आप वहाँ पे क्या कारोबार करते? मैं होटल में जॉब करता हूँ सर, किचन सेकंड कुक का काम करता हूँ सर, यानी लज्जी ढाबा में करता हूँ। अभी हम नेपाल जाएंगे अपना घर पे, पलिया बॉर्डर हो गए गौरीकुंडा। तो इस जो DCM में जो है कितने लोग आए? जी सर, इसमें 52 की लगभग 54 लोग है सर। हम वहाँ से बम्बई से आए, रास्ते में जो भी है सर लोगों ने पूछा, ठीक है जाओ बोला, पानी पूनी खाना जो भी है सब कुछ दिया हमको, फल फ्रूट जो भी है सब मिला सर। इस DCM से आप फर्रुखाबाद पहुँच गए, यहाँ क्या दिक्कत हुई फर्रुखाबाद में आपको? जी सर, यहाँ पे साहब जी आए, जो भी अफसर आपके पुलिस वाले आए, यहाँ पे बोला कि कहाँ से आई, गाड़ी को रोकाया, हम रास्ता भूल गए थे सर, 20 किलोमीटर गाँव में घुस गए थे, जाने का था हमको, वहाँ रास्ता गलत जगह से हुआ, तब रास्ता गलत हो गया, तो अभी हम गौरीकुंडा जाएंगे सर, कल हमारा नाका खुलेगा, हम नेपाल में जाएंगे, बैतड़ी जिला शिवनाथ गाँव पालिका शर्माली मड़ेगा। कितने में पूरी DCM करके लाए हो आप? जी सर, एक आदमी का 3,300 रुपये बोला था, उसमें चलो अपने आदमी गरीब आदमी का डिस्काउंट कर दूंगा बोला था, पर अभी सब लोग मजबूरी में महाराष्ट्र से आए। नहीं, पर हेड कितना पड़ा है, मतलब पर आदमी? पर आदमी का 3,000-3,200 के आसपास पड़ा हुआ सर। तो 54 लोग आए हो? जी सर। तो टोटल कितना पड़ा है यहाँ पे? टोटल लोग तो सर वो कैलकुलेशन करना होगा, एक आदमी 3,300। हाँ सर, 1,800 थोड़ा नीचे ऊपर लेगा, ऊपर नहीं लेगा फोन करूँगा बोला उन्होंने, इतना बोला। अच्छा, रास्ते में आपको मुंबई से जब निकले थे तब आपको किसी ने रोका क्या? जी सर, नहीं रोका, वहाँ पर पुलिस वाले सब लोग खड़े हैं सर, एक नहीं सर, तुम सर से कर लेना, बहुत सारे लोग ट्रक में आ रहे, UP महाराष्ट्र से पूरा निकल रहे सर, हमें नहीं जितना भी थोड़ा महाराष्ट्र पूरा खाली हो गया। आखिर क्यों? एक मिनट इधर देखो सर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, महाराष्ट्र में आपको क्या दिक्कत आई जिसकी वजह से आपको पलायन करना पड़ा? जी सर, वहाँ पर हमारे होटल जो हम जॉब करते थे वो सर, एक जन का 33 लेकिन 3,300 पर हेड है, पर हेड अभी देता क्या है। महाराष्ट्र से आपको क्यों वहाँ से पलायन करना पड़ा? एक्चुअली सर, हमारा होटल बंद हो गया, खाना पीने की दिक्कत हो गया, हमको पैसा नहीं, पानी नहीं, और बाहर आने जाने को भी दिक्कत, पैसा भी नहीं, कुछ नहीं, 2-3 महीने हो गया किसी का सैलरी नहीं मिला, और रूम पे भाड़ा रहता था, वो भाड़ा देने के भी पैसा नहीं, अभी हम कर्जा वर्जा निकाल के इधर उधर से भी अपना मुल्क कैसे भी पहुँचे, एक तो बीमारी का डर है, दूसरा अपना खाने पीने का रास्ता कुछ तो है नहीं, इसलिए हम लोग आ गए। कुछ फैसिलिटी नहीं मिला सर हमको, कुछ वो तो छोड़ो, जो हमने काम किया था सर वही भी मिलता तो हमको वैसा दिक्कत नहीं आता, हमको पैसा भी नहीं मिला, 3-3 महीने 7-8 महीने के पगार छोड़ा है। अभी आपको मगता है तो मुझे मेरा सेठ का वीडियो भी सुना देता हूँ मैं, वो आज बोलता है कल देता हूँ, कल बोलता है कल हो गया सर, अभी समझो 2-3 महीने पहले का पगार बाकी था। मतलब वहाँ के मैं होटल में सर, एक्चुअली वहाँ के कामगार जो हैं, मतलब वहाँ के जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो होटल मालिक हैं, वो कामगारों को पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा नहीं दे रहे सर, तो क्या है होटल इनका रूल क्या रहता है, ये महीना का पगार अगला 15 की बात देता है, तो उसके बाद 15 के बाद सोचता है, 20 तारीख बोलता है, 20 तारीख के बाद 25 बोलता है, बोलते बोलते बढ़ाते बढ़ाते वो 2 महीना चला जाता है, उसके बाद में 3रा महीना का देता है, 2 महीना 1 महीना गैप रहता है, ऐसे करते करते अपना लॉकडाउन हो गया बीच में, 21 मार्च को बोला अभी बंद हो गया, बंद होने का बावजूद क्या हो गया कि अभी कल मिलेगा परसों मिलेगा, चलो खाना खाओ दो थोड़ा दिन ऐसा करते गए। हम लोग जो रूम पे रहते थे, रूम पे रहने के लिए वो रूम का भाड़ा देने के लिए उसको भी कहाँ से दे, और राशन भरने के भी नहीं, सेठ देता हूँ बोलते सब लोग परेशान हो गए। आप लोग महाराष्ट्र से यहाँ फर्रुखाबाद तक पहुँच गए, कैसे पहुँचे, क्या क्या जद्दोजहद उठानी पड़ी रास्ते में? एक्चुअली सर अभी तक हमको कोई ऐसा परेशानी नहीं हुआ, रास्ते में हमको खाना मिला और फ्रूट मिला,
पानी मिला, छांस मिला, जो भी है एकदम फैसिलिटी बड़ी अच्छी तरफ से। अभी तक दिक्कत बोलेगा तो कहीं भी कुछ नहीं हुआ सर हमको। अब आप घर जाना चाहते हैं? घर जाना चाहते हैं। हमारा दोस्त लोग भी आगे चले गए सर, हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं उधर अपना गौरभिंडा नाका के जो है ना पलिया कौन सा गार्डन है वहाँ पे क्वारंटाइन का व्यवस्था कर रखा है, तो हमारे दोस्त लोग भी वहाँ हैं। इसमें सर 54 है सर एक्चुअली।